जय हिंद, हरित नमस्कार साथियों। आज से आरआरबी एनटीपीसी का ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है और आप तमाम प्रतियोगी छात्र छात्राएं काफ़ी दिनों से वेट कर रहे होंगे कि एनटीपीसी आरआरबी का वैकेंसी आएगी, जो आ चुकी है और आज 14 सितंबर से ऑनलाइन इसका आवेदन शुरू हो जाएगा। तो आवेदन तो कर ही देना, आवेदन करने के साथ साथ तैयारी में तन्मयता से जुट जाना है। और अगर आपको एनटीपीसी में आपको सहायक स्टेशन मास्टर एएसएम बनना है या ट्रेन मैनेजर बनना है या फिर आपको अप्रेंटिस यानी कि कमर्शियल अप्रेंटिस बनना है या फिर ईसीआरसी बनना है, JEE बनना है, TCCC बनना है, तो आपको मैथ और रीजनिंग GK/GS इस तीनों सेगमेंट पर इक्वली कमांड करना होगा। तीनों बेहद ही जरूरी है। मैथ आप आरएस अग्रवाल का मैथ बनाइए, शारदा प्रकाशन का मैथ बना लीजिए, एडवांस सेगमेंट को बना लीजिए। रीजनिंग किसी भी पब्लिकेशन का आप बना लो। और GK/GS की बात करूं, लुसेंट समान ज्ञान हो गया, SPD रेलवे समान ज्ञान हो गया, SPD समान विज्ञान हो गया, दृष्टि का जो समान ज्ञान हो गया, दृष्टि का समान विज्ञान हो गया। इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए SPD करंट अफेयर्स, प्रतियोगिता दर्पण, समान ज्ञान दर्पण और NCERT बुक। NCERT तो सभी का बेस है, तो इन तमाम बुक्स का अगर आप लोग अध्ययन करते हो, इसके साथ साथ प्रतिदिन एक कोई भी सेट बनाना है। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को बनाना है। इससे क्या होगा, आपका टाइम टेकिंग होगा और क्वेश्चन का पैटर्न मालूम चलेगा कि किस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाता है, किस डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन होता है, तो ये सब चीज़ आपको अनुभव हो जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों को आप लोग करना है। अगर इन तमाम चीज़ों कर लेते हो तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, घर बैठे आप नौकरी गेन कर सकते हो। जैसे लुसेंट पढ़ने की मैं बात करूं तो डेली देखिए, उसको रटना नहीं है, डेली 50 पेज आपको पढ़ना है। 50 पेज आपका होमवर्क होना चाहिए, उससे हम कम नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ रामायण की तरह, महाभारत की तरह उसको पढ़ जाना है, रटना नहीं है। और जैसे लुसेंट में 450 पेज है, आप 9 दिन में एक बार लुसेंट ख़त्म कर लोगे, महीना में 3 बार ख़त्म कर लोगे, 4 महीना में 12 बार ख़त्म कर लोगे, 6 महीना में 18 बार ख़त्म हो जाएगा। जो चीज़ 18 बार हमारे दिमाग से गुजरेगा, इधर से उधर नहीं भी याद रहेगा, ऑप्शन आएगा तो हम क्लिक कर सकते हैं। तो आप लोग पढ़िए। थैंक यू।